हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनबीएफसी की एक दिग्गज कंपनी जो कि निफ्टी का भी पार्ट है, बजाज फाइनेंस, आप सभी लोग परिचित हैं इससे। इसमें भारी तेजी होते हुए हम लोगों ने देखी है। ये तकरीबन 5,334 रुपीज पर क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में पढ़ करके ये वीडियो देखने के लिए आए हो कि बजाज फाइनेंस अगले 4 साल में 20,000 पार कर जाएगा, तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि बजाज फाइनेंस क्यों 20,000 को पार कर जाएगा, इसके क्या कारण है कि बजाज फाइनेंस में लगातार तेजी बनते हुए दिख रही है। इस स्टॉक में भारी करेक्शन देखने को मिला था लॉकडाउन के बाद और अपने न्यूनतम स्तर से ये काफी ऊपर उठ चुका है और ये अभी लाइफ हाई पर चलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे अपनी और एक आम आदमी की भाषा में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे बजाज फाइनेंस अगले 4 साल में 20,000 पार कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं लगातार इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज बना करके लेते आ रहा हूं आपके सामने और आपको मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों के बारे में लगातार बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बजाज फाइनेंस के जो रिटर्न है पास्ट में वो कैसे देखने को मिले हैं उसको चेक करते हैं इनके टेक्निकल चार्ट को देख करके। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का लाइफ टाइम का मंथली चार्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये देखिए, स्टॉक लगातार काफी बुलिश फेज में है दोस्तों। ये देखिए, लगातार ये ऊपर जा रहा है। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई थी तो ये दम से नीचे गिर गया था, उसके बाद इसमें देखिए फिर से उछाल देखने को मिल रहा है और ये अभी लाइफ हाई पर चल रहा है दोस्तों। तो क्या अब हम लोग जब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है और इतने गिरावट के बाद तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें इस स्टॉक में? जब कोई भी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसमें गिरावट की तो बहुत डर लगती है। मुझे भी डर लगता है दोस्तों, आपको पता नहीं डर लगता है या नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है कि इतनी ऊंचाई में जाने के बाद ये स्टॉक तो जरूर गिरेगा। तो क्या हम लोग ये उम्मीद लगाएं कि बजाज फाइनेंस इन स्तरों से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा या ये स्टॉक इन लेवलों से और ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं डरते हुए भी इस स्टॉक के सारे एनालिसिस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ये किस प्रकार ये स्टॉक जो है अगले 4 सालों में 20,000 के लेवल को छू सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिल करके समझते हैं कि क्यों ये स्टॉक नहीं गिरेगा और इन स्तरों से ऊपर जाता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी स्टॉक दोस्तों, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में बताता आया हूं कि जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स होते हैं उसमें काफी गिरावट होने के बावजूद अगर उसके फंडामेंटल सही रहते हैं तो उसमें काफी तेज रिकवरी देखने को मिलती है और इस बात को बजाज फाइनेंस ने साबित करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं कि बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी बातों पर चर्चा करेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें और इसको समझने की कोशिश करें इनके बिजनेस को कि ये किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ा पाई है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन में FY15 से इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट के फिगर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके जो रेवेन्यू है, देखिए इस साल दर साल लगातार काफी हाई ग्रोथ से ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए, इस पूरे 5 सालों में इनके जो रेवेन्यू है कितने बढ़िया तरीके से काफी हाई रेट से इनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये FY15 में इनका जो रेवेन्यू था तकरीबन
5,392 करोड़ था वो बढ़कर के FY20 में तकरीबन 26,375 हो गया, यानी कि इनके रेवेन्यू में 5 गुना का जंप दिखा है दोस्तों इस पिछले 5 सालों में। अब आइए दोस्तों नेट प्रॉफिट पर बात करें, तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि FY15 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 898 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि देखिए साल दर साल इसमें भी लगातार काफी हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और FY20 में आकर के ये 5,264 करोड़ हो गया। तो इन पूरे 5 साल में इनके रेवेन्यू आप देखिए यहां पर लगभग 5 गुना से ज्यादा बढ़ते हुए देखे गए हैं। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों कि इनके रेवेन्यू बढ़े हैं 5 गुना और नेट प्रॉफिट भी बढ़े हैं 5 गुना से ज्यादा। तो ये कंपनी कितने अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को ग्रो किया, और अगर इसके मार्जिन को भी देखें, ये देखिए इनके मार्जिन इतने बेहतरीन है दोस्तों कि इसने अभी तक जो इनके रेवेन्यू है पिछले 5 सालों में कभी भी गिरते हुए देखने को नहीं मिले हैं, और यही वजह है दोस्तों कि इसके जो चार्ट अभी हम लोगों ने देखा ये काफी बुलिश ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। यहां पर देखिए ये काफी बुलिश ट्रेंड में है। तो जब बजाज फाइनेंस के एनुअल रिजल्ट लगातार अच्छे आए हैं इस वजह से ये स्टॉक काफी बुलिश फेज में है। तो फिर दोस्तों बात आती है कि इसमें ये गिरावट क्यों आई, ये जो यहाँ पर गिरावट आई जब इतना मजबूत था तो फिर गिरावट क्यों आई, तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर कैसा पड़ा। तो दोस्तों अगर हम लोग इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट को देखें ध्यान से दोस्तों, हम लोग दिसंबर 2017 से देखते हैं, यहां देखिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट, ये इनके रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं दोस्तों, देखिए लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब आइए जून क्वार्टर में दोस्तों, जून 2020 और सितंबर 2020 यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए इनके जो है रेवेन्यू ये घटते हुए दिख रहे हैं। क्यों घटा रेवेन्यू? लॉकडाउन के चलते इनके रेवेन्यू घटे। तो इस पीरियड में दोस्तों इनके प्रॉफिट बढ़े कि घटे उसको भी चेक करना होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए इनके जो नेट प्रॉफिट थे दिसंबर 2017 से, ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। इसमें कमी कहां से आई दोस्तों? कमी आई डिग्रोथ में आई, इनके नेट प्रॉफिट में जो डिग्रोथ देखने को मिला ये देखिए मार्च 2020 कौन सा पीरियड था दोस्तों आप खुद बताएं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा पीरियड है जिसमें इनके नेट प्रॉफिट घटते हुए देखने को मिल रहा है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि जून और सेप्टेम्बर क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू है वो घटते हुए देखने को मिले, जबकि प्रीवियस पीरियड में इनके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू थे वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे थे, और ये जून और सितंबर क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट में भी जो है डीग्रोथ देखने को मिला। तो दोस्तों इसी वजह से दोस्तों इनके जो शेयर प्राइस में काफी गिरावट देखने को मिली थी, और अब मार्केट कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है कि बजाज फाइनेंस के जो बिजनेस हैं वो नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुके हैं और ये कंपनी वापस फिर ग्रोथ फेज में आएगी ऐसा बाजार मान रहा है, और इस वजह से इसमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है और ये अभी लाइफ हाई पर जाता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पर तय करना होगा कि इन स्तरों से ये स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा या गिरेगा तो क्यों नीचे गिरेगा, गिरने के कारण होने चाहिए। तो दोस्तों ये स्टॉक नीचे तो नहीं गिर सकता इसलिए कि इनके जो रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट वो काफी हाई ग्रोथ से बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। अगर इसके एवरेज को देखा जाए दोस्तों तो इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये पिछले 3 साल में 38% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 3 साल में 42% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जबकि स्टॉक प्राइस इनका पिछले 3 साल में 45
परसेंट सीएजीआर के रेट से बढ़ता हुआ हम लोगों को देखने को मिला है। तो दोस्तों ये काफी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, इसके न केवल सेल्स ग्रोथ बल्कि प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी हाई परसेंटेज से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है पिछले पूरे 10 सालों में। इसी वजह से ये स्टॉक जो है लगातार बुलिश फेज में चल रहा था और कोरोना की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली और वापस ये अपने लाइफ हाई पर चलता हुआ दिख रहा है। तो अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि बजाज फाइनेंस 20,000 क्यों जाएगा, तो दोस्तों जिस प्रकार के इनके रिजल्ट हम लोगों ने अभी देखे, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, हर मामले में ये कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट पेश की है पास्ट में, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है मार्केट में और सारे बिजनेस नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुके हैं, तो बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं अपने जो पुराने लेवल था बिजनेस का उस लेवल पर ये जाएगी और वापस ये अपना जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है उसको ये मेंटेन कर पाएगी, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। इसलिए इस स्टॉक में आगे भी तेजी बनी रहेगी। तब अब दोस्तों बजाज फाइनेंस का अगर हम लोग सेम ग्रोथ रेट लें, तो अगर हम लोग इसके प्राइस पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि हम लोग कोशिश करते हैं, ये देखिए ये आपका 1 मार्च 2016 यहाँ पर क्या रेट देखने को मिल रहा है, ये 650 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था 1 मार्च 2016 को 650 रुपए में। अब आइए यहां पर कौन सा डेट देखने को मिल रहा है, यहां पर आइए ये देखिए 2 मार्च 2020, यानी कि गैप हुआ पूरे 4 साल का, यहां पर रेट आपको देखने को मिल रहा है 4,643 रुपया, यानी कि मान लीजिए कि 4,500 रुपये 4,500 रुपया मान लीजिए, तो यहां 650 रुपये से ये 4 साल में ये स्टॉक 4,500 रुपये पहुंच गया। तो कितना ग्रोथ हुआ दोस्तों, आप खुद बताइए, ये जो ग्रोथ हुआ लगभग 7 गुना हुआ, ठीक है 7 गुना का ग्रोथ हुआ इनके प्राइस में। अब अगर दोस्तों अब इसी पॉइंट को अगर हम लोग 4,500 माने कि मार्च पीरियड में ये 4,500 में ट्रेड कर रहा था और इनके जो ग्रोथ रेट हैं ये 45% एनुअली ही मेंटेन रहे, तो अगले 4 साल में जब 2024 का साल आएगा, तो इन स्तरों से इनका जो स्टॉक प्राइस है कम से कम 7 गुना होता हुआ हम लोग देख पाएंगे, ऐसे इसके चार्ट से हम लोग कह सकते हैं और इसके फंडामेंटली जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग कितना भी अगर कंजर्वेटिव लें, तो जो ये स्टॉक है अगर 7 गुना नहीं मान करके अगर हम लोग इसको 4 गुना भी माने, तो हम लोग इसको आसानी से 20,000 के रेट पर देख सकते हैं आने वाले 4 सालों में। और यही वजह है दोस्तों हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि बजाज फाइनेंस 20,000 पार कर जाएगा। तो दोस्तों यहां तो हम लोग ग्राफ से ये सीखें, अब चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेटर से भी निकालने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेटर से हम लोग कैसे निकालें इनके फ्यूचर प्राइस को। अभी जो हम लोगों को रेट देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस का 5,334 रुपये, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 4,500 रुपये के रेट से, तो यहाँ पर 4,500 रुपया हुआ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद इन ब्रैकेट 1+, हम लोगों ने ग्रोथ रेट लिया है 40%, 40/100 ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर, हम लोगों ने कितना लिया है दोस्तों समय 4 साल, ये 4 साल हम लोग लगा दिया यहां पर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर रेट क्या आ रहा है, 4,500 अगर हम लोग ले रहे हैं मार्च के रेट को, तो इनका जो प्राइस आ रहा है 17,287 रुपया आ रहा है। आप अपने कैलकुलेटर निकाल के खुद भी अपने कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग
यहाँ देख पा रहे हैं कि बजाज फाइनेंस जिस रेट से ग्रो की है पास्ट में, उसी रेट को अगर ये मेंटेन कर पाती है, जिसकी बाजार भी उम्मीद कर रहा है, तो हम लोग अवश्य ही इस स्टॉक को अगले 4 सालों में 20,000 के स्तर पर जाता हुआ देख पाएंगे। ये तो हुई दोस्तों अगले 4 सालों की बात। अब हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो नियरेस्ट टारगेट है इसका इमीडिएट, वो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस लगा करके रखे हैं टेक्निकल लेवल पर। पिंक लाइन में ये जो लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये अपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है बजाज फाइनेंस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि बजाज फाइनेंस 5,334 के स्तर पर इसी सपोर्ट लाइन को टच करता हुआ देखने को मिल रहा है और ये लाइफ हाई पर चल रहा है। और जो इनका इमीडिएट जो रेसिस्टेंस था, जिसकी बात हम लोगों ने पुराने वीडियो में की थी, वो 4,923 रुपए था। और इस स्तर को ये स्टॉक काफी अच्छे तरीके से तोड़ करके ऊपर निकल चुका है। तो जो हम लोगों को इमीडिएट जो टारगेट देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में, वो 6,848 रुपए हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे, ऐसा इसके टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि क्यों बजाज फाइनेंस अगले 4 सालों में 20,000 के लेवल को पार कर सकती है, और इमीडिएट टर्म में हम लोग बजाज फाइनेंस को 6,848 पर ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपके लिए इस प्रकार की जानकारियां बराबर लेकर के आ रहा हूं, और मेरा टारगेट है कि आप मेरे इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक करें। तो दोस्तों आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।